चलिए फिर से शुरू करते हैं फोर्स एंड प्रेशर, जो चैप्टर 11 आपका, इससे पहले एक पार्ट हमने बताया था, आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। फोर्स एंड प्रेशर में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि जो फोर्स है वो कौन कौन से, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। इसमें ये चीज़ें आपने देखी कल तक, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आपने देखा। अब बात आती है आज टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के कौन कौन से टाइप हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट। दो टाइप के हम फोर्स की यहाँ पर बात करते हैं। एक को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट, मतलब जिसका आप संपर्क में हैं वो वाला फोर्स, और जिसके संपर्क में नहीं रहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस उसको कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। फोर्स दैट कम इंटू एक्शन आफ्टर ए इंट्रेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्स में दो चीज़ों के बीच, जो तलों के बीच इंट्रेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क्स ऑन ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पर वो टच कर रहा है, जहाँ पर वो संपर्क है उसका है, वहाँ पर वो फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल जैसे पुशिंग द ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग, पावर लिफ्ट द डंबल्स फॉर एक्सरसाइजिंग, जैसे डंबल्स को एक्सरसाइज करने में आप ऊपर नीचे करते हैं उसको, और किसी चीज़ को खींचते हैं, पुश पुल जो भी बैग है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। जैसे इसमें मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज के दो यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मसल फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स आप हर जगह यूज करते हैं, आप कोई भी वर्क करते हैं वहाँ पर मस्कुलर फोर्सेज का यूज करते हैं, आप खा भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, या कोई डंबल्स ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहाँ पर मसल फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो फोर्स आपके शरीर में जो मसल पावर है उसमें जनरेट होकर आप किसी चीज़ में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू इन द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स, सिंपली। दूसरा आता है विपोषण फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं जिसे घर्षण बल कहते हैं हिंदी में, आप घर्षण। अब घर्षण या फ्रिक्शन दो तलों के बीच में लगता है, जैसे आपका चप्पल है, चप्पल के जो नीचे वाला भाग है और ज़मीन है, नीचे ज़मीन है ना, ज़मीन और उसका नीचे वाला भाग है, उन दोनों के बीच में घिसते हैं, ठीक है, वहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कम या अधिक भी होने की संभावना रहती है, जैसे फ्रिक्शन कहीं पर कम हो गया तो फिसल जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन अधिक है तो वहाँ पर आदमी फिसलता नहीं। कई चीज़ों के लिए फ्रिक्शन कम की ज़रूरत भी पड़ती है, कई चीज़ों के लिए फ्रिक्शन अधिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक टायर घूम रहा है, जिस धुरी में उस पर आप क्या चाहेंगे कि टायर बहुत अच्छी तरह घूमे, तो वहाँ फ्रिक्शन कम करना पड़ता है, कम मतलब कोई ऑयल उसमें डालेंगे, कोई ग्रीस उसमें डालते हैं, जैसे फ्रिक्शन कम होगा वो फिसलेगा, फटाफट घूमेगा, ठीक है। अब एक जूते के तले में आप तेल लगा देंगे, जूते के तले में शूज के जो नीचे वाला भाग है उसमें तेल लगा देंगे, क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो फिसल जाएंगे। तो हमको जूते के तले में फ्रिक्शन कम करने की नहीं, अधिक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, जिसमें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, देखिए हम उसके संपर्क में नहीं होते। फोर्स विदाउट इंट्रेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फोर्स विदाउट इंट्रेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, फोर्स विदाउट इंट्रेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉट रॉन्ग हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे गुरुत्व बल कहते हैं आप, किसी पत्थर को ऊपर आप उछालते हैं और नीचे आ जाती है, कोई भी ऊपर से नीचे गिरता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्थिर विद्युत बल जिसे कहते हैं,
जैसे जो चार्ज बॉडी होती है, चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनमें ये बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का आप जानते हैं, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय बल जिसे कहते हैं। अब चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर उसके पोल क्या होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ टू पोल्स होते हैं, उसमें जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल एक साथ अगर हम लाते हैं तो वो अट्रैक्शन होता है उनमें, ठीक है। अगर सेम पोल होंगे, नॉर्थ ये भी होगा नॉर्थ, दोनों के नोक होंगे तो वो रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। चुंबक से आप खेले होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लगता है, चुंबक एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं वो होता है क्या, नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स का मतलब जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दूसरी चीज़ आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर उसकी बात करते हैं, स्थिर विद्युत बल जिसे कहते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो चार्ज होते हैं, कोई भी बैटरी है या कहीं पर जो भी आवेश है, जहाँ पर चार्ज बॉडी है, चाहे वो बैटरी से हो, सेल से हो या विद्युत से हो, वहाँ पर भी एक बल लगता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम अगर हैं प्लस प्लस है जो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे, ऐसा बल वहाँ पर भी लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेट कैन एग्जर्ट ए फोर्स एंड अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। अ फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हेन ए चार्ज बॉडी एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड रिपेल्स सेम चार्ज। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और जो सेम है, सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, उनमें क्या होगा, रिपेल्स होगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज होगा तो उनमें रिपेल होगा। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर हटने की बात है, अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे के पास आने की बात है, ठीक है। चार्ज बॉडी रिपेल्स और अट्रैक्ट्स विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दस इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट। अब चार्ज बॉडी में कोई बीच में ऐसा वो नहीं है, माध्यम उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ मून सन एंड अदर टाइप ऑफ प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट्स हैं, कोई भी बॉडी है पूरे यूनिवर्स में, तो वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसके कारण ही लगता है। जैसे अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इवन विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, अर्थ जो है अपने आप में एक ऐसा सोर्स है जो सब बॉडी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए कोई भी चीज़ अर्थ की ओर, पृथ्वी की ओर ही गिरती है, आप देखते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी रिलीज और थ्रो स्टोन्स अपवर्ड फॉल डाउन, आप देखते हैं जब कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं नीचे आता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक टॉपिक आपके उसमें प्रेशर है, प्रेशर का मतलब दाब, दाब का मतलब होता है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, और वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक प्रति एकांक एरिया पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीज द एरिया ऑफ द, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एरिया, तो प्रेशर क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज द एरिया, जब एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज विथ डिक्रीज द एरिया, दूसरा इसका उल्टा है। एग्जाम्पल, व्हेन वी कट वेजिटेबल्स वी नीड टू यूज द शार्प एज ऑफ द नाइफ, प्रेशर एग्जर्ट्स बाय लिक्विड एंड गैस। अब ये भी इसमें है, देखिए एक एग्जांपल है, कोई भी आप चाकू देखते हैं, चाकू की जो धार होती है एज जिसे कहते हैं, एज को नुकीला क्यों बनाते हैं, नुकीला इसलिए बनाते हैं तो उसका एरिया बिल्कुल कम हो, जैसे एरिया कम होगा आप